नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग की अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान में भारी बारिश बाढ़ को लेकर आ रही है। जी हां दोस्तों, बता दें राजस्थान में एक बार फिर से मौसम की भविष्यवाणी सटीक निकलती दिख रही है। और दोस्तों बता दें कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी झमाझम बारिश देखने को मिल रही है, चारों ओर का क्षेत्र जलमग्न हो गया है। तथा दोस्तों बता दें कि कई इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा। साथियों बता दें कि एक बार फिर से झमाझम मूसलाधार बारिश आप सभी को देखने को मिलने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 2 अगस्त बाद दोस्तों फिर से एक जो बंगाल की खाड़ी है उसमें चक्रवाती तूफान उठा है, और उसी के प्रभाव के कारण दोस्तों बता दें 11 दिन तक भारी बरसात की संभावना मौसम विभाग के द्वारा बताई गई है, जो अगस्त महीने के पहले पखवाड़े तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश में फिर हल्की से मध्यम व कहीं कहीं भारी से बहुत ही भारी बारिश होगी, जिससे फिर कई इलाके जलमग्न होंगे। हालांकि इससे पहले भी प्रदेश में हल्की बारिश का क्रम जारी रहेगा, जो कुछ इलाकों में दोस्तों आपको बता दें कि अगले 2 से 4 दिन देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों बता दें कि स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 1 जून से और जुलाई तक की बात करें तो दोस्तों अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो औसत से 55% ज़्यादा है। आपको बताते चले, अब की बार जो मानसून सक्रिय हुआ है, इसकी वजह से राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका है, इसमें बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दोस्तों ये जो जिले हैं इनमें झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही बता दें कि जो माही, चंबल, पार्वती और काली सिंध नदियाँ हैं, वो दोस्तों पहले ही उनका जलस्तर बढ़ा हुआ है, और दोस्तों अब और भी इनका जलस्तर बढ़ने वाला है। वहीं साथ ये बता दें कि राजस्थान में देखिए, जो पहली बार मानसून सक्रिय हुआ है, इसमें अब तक लगभग 150 लोगों की जानें चली गई हैं, जो कि दोस्तों कोई बाढ़ के कारण, भारी बारिश के कारण, कोई दोस्तों जो आकाशीय बिजली गिरी है उसके कारण, तथा कई जो बच्चे हैं दोस्तों तालाब में डूबने के कारण मौत के शिकार हो गए हैं। इसलिए आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि जब भी भारी बारिश हो तो अपने बच्चों को घर पर ही रहने दें, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की घटना दोबारा से देखने को नहीं मिले। पूरे राजस्थान में 33 जिले हैं, 33 जिलों में दोस्तों अब झमाझम बारिश अगले 11 दिनों तक देखने को मिलेगी। मौसम से जुड़ी सभी राज्यों की बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी पाने के लिए चैनल अभी ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक मौसम की सही अपडेट पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।